जय भीम, नमो बुद्धाय। आज मैं महाराष्ट्र के नासिक जिले में हूँ और ये ऐसी जगह है, 1930 में आप सभी लोगों को पता है कि बाबा साहब ने नासिक के कालाराम मंदिर का प्रवेश का सत्याग्रह किया था। तो यहाँ पर जो लोग यहाँ पर हैं, ये इन लोगों को यहाँ की बहुत पूरी जानकारी है। ये ऐसा जगह है, ये यहाँ पर मराठी में मोठा राजवाड़ा म्हणून या ठिकाणाला ओळखलं जातं, बड़ा राजवाड़ा इसे पहचाना जाता है। और कालाराम मंदिर के प्रवेश का सत्याग्रह करने से पहले बाबा साहब यहाँ पर मीटिंगें लिया करते थे। यहाँ पर पीछे एक घर है, वहाँ पर बाबा साहब रहा करते थे। बाबा साहब का कई सारा साहित्य है, लेकिन जिसका वो घर था वो अब वो देने को तैयार नहीं है। वो बाबा साहब की चीज़ें उनको प्रिय है, इसलिए वो अब वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे। तो और आपसे खास व्यक्ति को भी मिलाना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी के जो अंग रक्षक हुआ करते थे उस समय 1930 से पहले, तो उनके पोते ग्रैंडसन हमारे साथ हैं, इनके दादाजी ये बाबा साहब के अंगरक्षक थे। और जब उनका निधन हुआ तब बाबा साहब ने अपने हाथों से उनकी समाधि, यही पर मेरे पीछे उनकी समाधि है, वो भी बाबा साहब ने यहाँ पर बनाई है। तो जानते हैं इस ऐतिहासिक स्थल के बारे में। आपण हिंदीत बोलला मराठीत बोलला तरी चालेल, मी हिंदीत याच्यासाठी बोलतो की देश विदेशातली लोक त्यांना ऐतिहासिक हे जे स्थळ आहे त्याच्याबद्दल माहिती मिळावी। तर आप लोग मुझे इस जगह की जानकारी दीजिए, ताकि और मेरा ये जो फेसबुक पेज है ये 17 से 18 देशों के लोग देखते हैं, कई सारे देशों के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये स्थल की जानकारी आप लोग मुझे प्लीज़ दीजिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कालाराम मंदिर का सत्याग्रह चालू किया था उस समय ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सत्याग्रह था। इसमें शुरुआत होके दादा साहब गायकवाड़ ने ये सत्याग्रह का, बाबा साहब ने लंदन में रहते हुए भी ये सत्याग्रह का नेतृत्व लंदन से किया था। ये देश वर्ल्ड में ऐसी पहली बार हुआ था क्या, बाबा साहब वहाँ बैठ के इधर, दादा साहब गायकवाड़ जो उनके खास अनुयायी थे, उन्होंने ये सत्याग्रह को, ये कम से कम 3 साल ये सत्याग्रह चला था। मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा सत्याग्रह था। और कालाराम मंदिर का सत्याग्रह से बाबा साहब ने जिसकी नींव रखी थी इधर से कालाराम मंदिर के, जबकि जानवरों को उस मंदिर में जाने की मुभा थी, लेकिन हम जैसे लोगों को मंदिर में जाने नहीं देते थे, इसलिए यहाँ से वो सत्याग्रह चालू किया था। जिनके साथ बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सकाराम काळे थे, गायकवाड़ थे, दानी थे, ऐसे कई लोग थे, जिसमें हमारे दादाजी सकाराम काळे जो एक प्रख्यात पहलवान थे उस जमाने के, उनके निधन हुआ तो बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी समाधि उनके खुद के हाथ से इधर बनाई थी। बाबा साहब आके इधर ये समाधि का उन्होंने नींव रखी थी, उधर एक समाधि उन्होंने बनाई थी बाबा साहब की, बाबा साहब ने उनकी हमारे दादाजी की। ऐसी ये अम्बेडकर चळवळ की महाराष्ट्र में की सबसे बड़ी भूमि है। यहाँ से कई लोग चळवळ के इधर से बाबा साहब के, इधर बाबा साहब के पैर लगे इस जगह को, वहाँ माथा टेकने के लिए भारत के सारे नेतागण, जिसमें अपने सारे प्रकाश अम्बेडकर जी है, रामदास आठवले, पासवान जी है, कवाड़े जी है, जितने भी अपने नेता है वो सारे लोग यहाँ के ये भूमि को मस्तक लगा के गए हैं कि जिन्होंने बाबा साहब के पैर इस भूमि को लगे, ये मानते हुए उन्होंने इस जगह का महत्व दिया। तो ये ऐसा स्थल है कि बाबा साहब जब लंदन में थे अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो बाबा साहब वहाँ से इस मूवमेंट को खड़ा कर रहे थे। कालाराम मंदिर टेंपल एंट्री जो बिल पास हुआ था, और वो बिल इम्प्लीमेंट होता है कि नहीं होता है वो दिखाने के लिए बाबा साहब ने यहाँ पर जो मूवमेंट खड़ी की कालाराम टेंपल एंट्री किया, कालाराम मंदिर प्रवेश का, वो यहाँ से नियोजन बाबा साहब ने किया। बाबा साहब जब लंदन में थे तब उनके जो साथी थे, और आज महाराष्ट्र और देश में उनका बहुत बड़ा नाम लिया जाता है, बाबा साहब की लाइफ में सबसे ज़्यादा करस्पॉन्डेंस अगर बाबा साहब ने किसी के साथ किया है तो वो दादा साहब गायकवाड़ जी के साथ किया हुआ है। कई सारे लेटर्स बाबा साहब के दादा साहब गायकवाड़ जी के नाम से है। और ये वही नासिक जिला है जहाँ से येवला से बाबा साहब ने ये घोषणा की कि मैं हिंदू जन्मा, ये मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, ये ऐसे जिला में आज हम लोग हैं। और ये एक ऐतिहासिक स्थल आज आप लोगों से रूबरू कराना चाह रहा था। मैं आप लोगों को वो समाधि भी दिखाना चाहूँगा इनके दादाजी की, काय नाव सांगितलं, सकाराम काळे,
सखाराम काळे उस समय के पहलवान हुआ करते थे और वो बाबा साहब के बॉडीगार्ड थे, अंगरक्षक थे, और बाबा साहब ने उन अपने हाथों से उनकी समाधि यहाँ पर मेरे पीछे यहाँ पर है। आइए आपको वो समाधि दिखाते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर रिनोवेशन चल रहा है, तो वो समाधि है वहाँ पर, और उसके ऊपर क्या लिखा है मैं आप लोगों को पढ़ के बताना चाहूंगा। प्रख्यात पहलवान वो आजन्म समाज सेवक वस्ताद कई सखाराम गंगाराम काळे व सती अनुसया बाई काळे मृत्यू 5/8/1937 यांचे स्मारक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या हस्ते 11/8/1939 यानी 11 अगस्त 1939 को बाबा साहब ने ये समाधि यहाँ पर बनाई है। ये पीछे समाधि है, तो ऐसे ऐतिहासिक स्थल पर आज हम लोग यहाँ पर हैं। आज ये एक नई जानकारी, क्योंकि मैं देश विदेश के अच्छे अच्छे स्मारकों के बारे में आप लोगों को बताता रहता हूँ। मैंने अभी मथुरा में से आप लोगों को बताया कि वहाँ पर ना तो कृष्ण है ना तो राधा है, वहाँ पर बुद्ध के अवशेष मैंने आप लोगों को मेरे ही चैनल से, मेरे ही फेसबुक से बताए थे। तो उसी तरह से आज महाराष्ट्र के नासिक में हूँ, और नासिक में ये ऐतिहासिक स्थल है। नासिक जिले में कहीं पर भी मूवमेंट खड़ी होती है तो इस स्थल से होती है ये मूवमेंट का, और सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं तो देश का एक प्रमुख केंद्र है। सारे बड़े बड़े नेता गण यहाँ पर आकर नतमस्तक होकर गए हैं। तो आज ऐसे इस मूवमेंट के सेंटर को मैंने आपको दिखाने का काम किया है। आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।